हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो शूट करने के बाद हम पहुंच गए अपने घर, और घर से हम जा रहे थे अपनी भैंस को चारा देने के लिए। तभी ये बैठे हैं महाराज हमारे गेट पे, ये हमको निकलने नहीं दे रहे हैं। जैसे तैसे मैं इनसे बचकर दूसरे गेट से निकल कर गई अपनी भैंस के पास। देख सकते हैं फ्रेंड, मेरी भैंस कितनी आराम से बैठी थी। मैंने इसको उठा दिया क्योंकि इसको चारा देना था। चारा नहीं खाएगी तो ये भूखी रह जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लाकर बांध दिया। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ हरा चारा नहीं है इस टाइम, तो मैंने भूसे में आटा अच्छे से मिक्स कर दिया है जिससे कि मेरी भैंस अच्छे से खाएगी इसको। भैंस को चारा देने के बाद हम आ गए घर। नहा धोकर निकले थे तो मम्मी बोली गांव में प्रसाद दे आओ जा करके, क्योंकि हमारे पापा गए थे अमरनाथ की यात्रा पे। तो पापा हमारे अमरनाथ की यात्रा पूरी करके ढेर सारा प्रसाद लेकर आए हैं, जिसको हम जा रहे हैं अपने गांव में बांटने के लिए। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? आप लोग अपने गाँव में प्रसाद बंटवाते हैं? अगर बंटवाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, हम चलते हैं प्रसाद बांटने के लिए गाँव में, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।